तो देखो, आज हम शुरू करेंगे टैली प्राइम के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की फर्स्ट क्लास। और आज हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर कैसे हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके उससे कोई फिनिश गुड्स कैसे बना सकते हैं। टैली के अंदर हम सीखेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ये जो कंपनी हमें दी गई है, एटीए इंटरनेशनल, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे एटीए इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी। और ये कंपनी बना लेने के बाद आगे हम इसके अंदर परचेज करना शुरू करेंगे। बेसिकली ये जो कंपनी हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके अंदर हमें जो भी मटेरियल चाहिए होगा गारमेंट्स को बनाने के लिए, वो सारा मटेरियल हम यहाँ पर परचेज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंपनी बना ली, एटीए इंटरनेशनल कंपनी। और कंपनी बनाने के बाद आगे हमने इसे सेव कर दिया। और सेव करने के बाद जैसे ही आपकी कंपनी बन जाएगी, कंपनी बन जाने के बाद आप यहां पर करोगे क्या, आप यहां पर F11 बटन दबाकर कुछ फीचर ऑप्शन ऑन करते हैं। क्या क्या फीचर ऑप्शन हमें चालू करने रहेंगे, सबसे पहले एक तो आप यहां चालू कर सकते हैं बिलवाइज डिटेल, और नीचे आप चालू कर देंगे एनेबल कॉल सेंटर, और यहां एक ऑप्शन और दिखाई देगा आपको, अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, अनेबल जॉब कॉस्टिंग और अनेबल जॉब कॉस्टिंग। और नीचे फिलहाल अभी हम इस कंपनी के अंदर जीएसटी डिटेल को ऑन नहीं कर रहे। यहाँ पर हम जो कंपनी बनाएंगे, इस कंपनी के अंदर हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारे फीचर ऑप्शन आप बड़े ध्यान से ऑन कर देना। ये फीचर ऑप्शन ऑन करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देना। ये फीचर ऑप्शन चालू हो जाने के बाद हम यहाँ पर परचेज शुरू करेंगे। फिलहाल मैंने सभी परचेजेस कर रखी हैं, लेकिन परचेज करने से पहले भी आपको कुछ फीचर ऑप्शन और ऑन करने पड़ेंगे। जैसे कि पहली परचेज आपको दी गई है कुमार ट्रेडर्स से, तो आपने जब कुमार ट्रेडर्स से परचेज करी तो यहाँ पर आपने इसका एड्रेस वगैरह जो इसकी डिटेल्स थी वो डाल दी। ये डालने के बाद आगे आपने जब यहाँ परचेज अकाउंट बनाया, तो परचेज अकाउंट बनाने के बाद इसके अंदर आपको कुछ फीचर ऑप्शन और चालू करने पड़ेंगे। क्या चालू करने पड़ेंगे, यहाँ पर आप F12 बटन दबाओगे और यहाँ आपको नीचे दिखाई देगा, सबसे नीचे यूज़ इन्वर्टर लोकेशन फॉर लेजर, सेलेक्ट टाइप ऑफ लेजर टू ऑटो कैलकुलेशन वैल्यूज इन वॉइस मोड, एडिशनल कॉस्ट, और नीचे अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, और अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग ऑफ स्टॉक आइटम, और यहाँ प्रोवाइड परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन एंड राउंडिंग मेथड। ये सारे ऑप्शन ऑन करने के बाद आप कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ चालू करेंगे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड ईयर्स, उसके बाद यहाँ आप चालू करेंगे अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, और नीचे अभी फ़िलहाल बंद कर देंगे कॉस्ट सेंटर को, और यहाँ चालू कर देंगे आप अलाउ कॉस्ट एलोकेशन स्टॉक आइटम। ये ऑप्शन चालू करने के बाद आगे आप क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर जो मटेरियल परचेज़ किया है, जब आप मटेरियल परचेज़ करेंगे तो इस मटेरियल के अंडर ग्रुप में आप यहाँ पर रखोगे क्या, रॉ मटेरियल। तो यहाँ आप ऑल्ट सी बटन दबाकर रॉ मटेरियल बना लेना। और कंट्रोल ए बटन दबाकर हम इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। बाकी सब आपने मटेरियल खरीदा, कॉटन फैब्रिक और नॉर्मल फैब्रिक, ये खरीदने के साथ आगे यहाँ पर आपसे कहता है कुछ आपका खर्चा भी हो गया, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो पैकिंग चार्जेस, फॉरवर्डिंग चार्जेस, और आपको डिस्काउंट मिल गया 10%। ये सारा हमने मटेरियल खरीदा और यहाँ पर एडिशनल खर्चा हो रहा है आपका पैकिंग फॉरवर्डिंग और डिस्काउंट आपको मिल गया। तो हमारा जो भी खर्चा हो रहा है हम उसको डाल देते हैं फ्राइड के अंदर। लेकिन फ्राइड बनाते वक्त भी आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके अंडर ग्रुप में रखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड करोगे,
अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करोगे, कॉस्ट सेंटर नो करोगे और अलाउ करोगे यहाँ पर कॉस्ट एलोकेशन देन सेव। आगे कितना खर्चा हुआ हमारा 500 और 1000, 1500 रुपये हमारे खर्च हुए इसमें और डिस्काउंट हमें यहाँ पर रिसीव हुआ। लेकिन जब हमने डिस्काउंट बनाया तो इसके अंडर ग्रुप में आपने रखना है इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड करना है आपको, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करना है, कॉस्ट सेंटर नो करना है और अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पर क्या कर देना है आपको, यस कर देना है। यस करने के बाद आगे अब आप क्या करोगे, डिस्काउंट आप डालोगे माइनस 10% और टोटल वैल्यू आप देखेंगे 1,11,600 हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गई है। आगे हम इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं सेव। पहली परचेज हमारी कंप्लीट हो गई, अगली परचेज में अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर अगली परचेज शिव कृपा डेटा से करी तो हमने भी यहाँ पर निकाल लिया, बाकी हमने सब आइटम वगैरह परचेज कर रखी हैं पहले ही। इसके अंदर बस हम आगे यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो डाल देते हैं, जैसे कि हमने डायनम 1, 2, 3 और हमने 4 परचेज करी है और यहाँ पर भी आपका खर्चा हो गया 1500 रुपये और डिस्काउंट आपको जो मिल गया यहाँ पर कितना परसेंट, 2%, तो टोटल वैल्यू 1,81,986 आ गए आपके पास। उसके बाद आपने अगली परचेज करी है शिव शक्ति ट्रेडर से तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, आइटम हमने ऑलरेडी परचेज करी रखी हैं और यहाँ पर अब हम आगे जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, वही फ्राइड आपका लग गया 1000 रुपये और आगे डिस्काउंट आपको मिल गया यहाँ पर माइनस 2% और लास्ट में आपने यहाँ पर 20 रुपये और ऐड कर दिया तो टोटल आपका खर्चा 5,79,000 आ गया, हमने ये डाल दिया। हमने यहाँ पर जो ऑप्शन चालू करें इसके अंदर हमने इसलिए ऑन करें जो भी हमारा खर्चा हो वो क्या हो जाए प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाए और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या हो जाए प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर से माइनस हो जाए। ये तभी हो पाएगा जब आपने इन ऑप्शंस को यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ ऑन यहाँ पर करा हुआ। अगर आपने एज इट इज़ ऑन नहीं करा हुआ तो यहाँ पर आपकी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, ना ही आपकी वैल्यू यहाँ पर इफेक्ट होगी इससे। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आखिरी परचेज आपने करी पारस ट्रेडर से और इसके अंदर भी आपने सेम वही चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और पैकिंग चार्जेस डाल दिए। हमने यहाँ पर नीचे ऐड कर दिया क्या फ्राइट कितना आपका 2000 रुपये और नीचे आपने क्या डाल दिया डिस्काउंट रिसीव कितना माइनस 2% टोटल वैल्यू आपकी और लास्ट में फ्राइट दोबारा से आपने लगा दिया 1000 रुपये तो 85,280 आपकी टोटल वैल्यू आ गई। ये हमारी परचेज कंप्लीट हो गई। लेकिन आपने अभी देखा था अभी हमने जब परचेज करी थी तो कुछ परचेज के अंडर ग्रुप में हमने वहाँ पर प्राइमरी डाला हुआ था। हमारा क्या है सभी रॉ मटेरियल है तो आप चार्ट अकाउंट के अंदर आना, स्टॉक आइटम के अंदर F5 बटन दबाना और यहाँ पर जो जो गया दिया गया यहाँ पर उन सभी के अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल डाल देंगे हम यहाँ पर। और रॉ मटेरियल डालने के बाद अब हमारा अगला काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये हमने रॉ मटेरियल डाल दिए, इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन और चालू करने पड़ेंगे। क्या ऑप्शन चालू करना पड़ेगा, वाउचर टाइप में आओगे आप और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल के अंदर आने के बाद आप सबसे नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर क्या करोगे ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आगे हम क्या करेंगे कंट्रोल ए बटन दबाकर इसे सेव कर देंगे। सेव हो जाने के बाद आगे इसके बाद
आपकी परचेज कंप्लीट हो गई। परचेज हो जाने के बाद आगे आपका काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। क्या कहता है आपसे, आगे कहता है कि आपको यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट का नाम लॉट नंबर 1101 है, और इसको बनाने में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, तो कॉटन फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं 300 मीटर, और उससे 570 पीस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का उसका जो एक्चुअल नाम होता है वो नहीं देते, उसको हम क्या देते हैं, एक नंबर देते हैं। नंबर क्या होते हैं, आपके यूनिक होते हैं, और प्रोडक्ट का नाम तो आपका एक सेम ही हो सकता है। जैसे आप शर्ट बना रहे हो तो आपका एक ही शर्ट बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर चूज करते हैं, हम उसे नंबर देते हैं यहाँ पर। तो अब आगे आपको क्या करना है, लॉट नंबर 1101 बनाना है। लेकिन लॉट नंबर 1101 बनाने से पहले आप देखोगे इसको कौन बना रहा है, तो हमने कहा कटिंग मास्टर रोहित से हम इस प्रोडक्ट को बनवा रहे हैं। जब भी हम गारमेंट बनाते हैं ना, तो गारमेंट को बनाने का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या कराया जाता है, आपने फैब्रिक खरीदा, फैब्रिक की कटिंग करी जाएगी। कटिंग होने के बाद फिर स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग के बाद हमने कहा वॉशिंग होगी, प्रेसिंग होगी, पैकिंग होगी, और पैकिंग हो जाने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, उस तैयार प्रोडक्ट को हम कहाँ मंगा लेंगे, अपनी शॉप पर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कटिंग मास्टर रोहित का एक गोडाउन बनाना है। तो पहले का आप क्या करना है, एक फर्स्ट गोडाउन यहाँ से क्रिएट करना, गोडाउन में जाकर और क्या कर लेना, यहाँ पर क्रिएट न्यू कर लेना और नाम डाल देना यहाँ पर कटिंग मास्टर रोहित। कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देना। सेव कर देने के बाद आगे आप आना कहाँ पर, वाउचर के अंदर, और F10 बटन दबाएंगे आप तो यहाँ देखेंगे आपको दिखाई देगा स्टॉक जनरल। ये आप डायरेक्ट ऑल्ट F7 बटन दबा के स्टॉक जनरल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दो चीज़ आएंगी आपके पास, कंजम्पशन, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर आपको वो रॉ मटेरियल बताना है जिससे आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या डालना है, यहाँ पर अब हमें डालना है हमारा रॉ मटेरियल कॉटन फैब्रिक 300 मीटर में। हम यहाँ पर 570 पीस को बना रहे हैं, तो आपको यहाँ डाल देना है सिंपल कॉटन फैब्रिक। कितना कॉटन फैब्रिक आपने 300 मीटर यूज़ किया, और क्या यूज़ करा आपने यहाँ पर, कहता है 1 चैन 4.5 वाली, एक पीस में एक चैन। कह रहा है कि आपने क्या करा, एक पीस के अंदर एक चैन यूज़ करी, पीस बनाया आपने 570, और 570 पीस को बनाने के लिए आपको 570 पीस चैन की ज़रूरत रहेगी। आगे कहता है 10 बटन इन 1 पीस, एक पीस के अंदर आपने 10 बटन लगाए, और पीस आपने कितने बनाए यहाँ पर, पीस आपने यहाँ बनाया 570, तो एक पीस में आपके 10 बटन लग रहे हैं, तो 570 पीस में आपके 5700 टोटल बटन लग जाएंगे। और क्या लग रहा है, 1 मीटर अस्तर इन 10 पीस, 1 मीटर अस्तर कितने पीस में लग रहा है आपका, 1 मीटर अस्तर आपका 10 पीस में लग रहा है, और आपने पीस बनाया 570, तो आपका जो अस्तर यहाँ पर लगेगा वो लग जाएगा आपका यहाँ पर 57 मीटर। और रिविट, रिविट कितना लग रहा है, रिविट कह रहा है कि 1 kg rivet in 10 पीस, 1 किलो रिविट आपका 10 पीस में लगा है, तो 570 पीस को बनाने में कितना रिविट हमारा लगा होगा, ये भी हमारा 57 ही आ गया। आगे हमने यहाँ पर क्या डाला, आगे हमने तैयार किया लॉट नंबर 1101, हमने लिख दिया यहाँ पर लॉट नंबर 1101, और ऑल्ट सी बटन दबाकर हमने बना लिया एक फिनिश गुड्स, और ये हमने रखा पीसेस के अंदर। कंट्रोल ए बटन दबा के हमने सेव किया। बनाने वाले का नाम कटिंग मास्टर रोहित है, 570 पीस बनाए, और टोटल जो खर्चा आया इसको बनाने का वो 5906.76 आ गया। ये अभी हमारा जो आया रॉ मटेरियल की कॉस्ट आई है, लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट के साथ साथ आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कटिंग मास्टर रोहित को हमने 3 रुपये पर पीस दिए हैं कटिंग करने के लिए। तो 3 रुपये अगर आपने पर पीस दिए और 570 पीस आपने बनवाए, तो यहाँ पर जो आपका खर्चा हो जाएगा, 570 × 3 करोगे आप तो 1710 रुपये आपका टोटल खर्चा हो गया 570 पीस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ऑल्ट सी बटन दबा के लिखोगे जॉब वर्क चार्जेस,
इसके अंडर ग्रुप में आपको डालना रहेगा एक्सपेंस डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग चालू करोगे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, अप्रूवेड बाय वैल्यू कॉस्ट सेंटर नो, अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यस, और यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करोगे। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, आपका जो टोटल खर्चा आया 1710 रुपये, ठीक है। टैली के अंदर आप ना यहाँ दो ही तरह से यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट का ऐड कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज के अंदर और एक यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट। यहाँ पर पीस आप यहाँ पर खर्चा ऐड नहीं कर सकते, तो आपने ये डाला और टोटल जो आपका खर्चा हो गया, अब आपका 10 रुपये 36 पैसे आपकी मटेरियल कॉस्ट आई थी एक पीस को बनाने में, और 3 रुपये आपका और खर्चा हो गया वहाँ पर, तो 13 रुपये 36 पैसे यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर कॉस्ट इसकी आ रही है इसको बनाने के लिए। आगे अब हमने लॉट नंबर 1101 570 पीस कटिंग मास्टर ने कटिंग करने के बाद आगे भेज दिए, कहाँ पर, तो कहता है कि आगे कटिंग मास्टर ने कटिंग करने के बाद भेज दिए स्टिचिंग कोमल के पास। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ आपको ऑल्ट सी बटन दबाकर क्या बना लेना है स्टिचिंग कोमल। हमने यहाँ पर लिख दिया स्टिचिंग कोमल और 570 पीस भेजे, और एक पीस को बनाने का कितना खर्चा आ रहा है, तो कह रहे हो कि एक पीस को बनाने में 35 रुपये खर्च हो रहे हैं, 570 पीस इसने बनाए, तो आपका जो खर्चा हो गया वो 19,950 रुपये टोटल खर्चा हो गया। एंटर किया और जैसे जैसे खर्चा होता रहेगा वो वैल्यू इसके अंदर आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ऐड होती चली जाएगी। एंटर करा आपने, सेव कर दिया। फिर यही लॉट नंबर 1101 आपने 570 पीस कोमल से आपने आगे कहाँ भेज दिए, आपने आगे भेज दिए वॉशिंग संदीप पर। तो हमने यहाँ वॉशिंग संदीप भी बना लिया, ऑल्ट सी बटन दबाया, वॉशिंग संदीप क्रिएट किया, 570 पीस हमने भेजे, और अब हमने वॉशिंग संदीप को यहाँ पर जो खर्चा दिया पर पीस का 4,560 रुपये हमने यहाँ पर दे दिए। पर पीस का जो खर्चा था वो 8 रुपये पर पीस था, यहाँ पर टोटल खर्चा हुआ उसका 4,560 रुपये। और आगे फिर आपने लॉट नंबर 1101 570 पीस कहाँ करे, आगे भेजे वॉशिंग संदीप से कहाँ पर, अब हमने भेज दिए ये प्रेसिंग रिया पर। तो आपने यहाँ पर क्या करा, दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया प्रेसिंग रिया, और 570 पीस आपने भेजे, और रिया को आपने यहाँ पर जो खर्चा दिया कितना, 3 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो 3 रुपये पर पीस के हिसाब से खर्चा हो गया इसका 1,710 रुपये। तो हमने ये डाल दिया और यहाँ पर इसे सेव कर दिया। फिर लॉट नंबर 1101 570 पीस आगे हमने रिया से भेज दिए, ऑल्ट सी बटन दबाकर पैकिंग पूजा पर, और पैकिंग पूजा को हमने यहाँ पर जो खर्चा दिया वो 8 रुपये पर पीस दिया, हमने यहाँ पर डाल दिया पैकिंग पूजा, और 570 पीस हमने भेजे यहाँ पर, और जॉब वर्क चार्जेस हमने दिया यहाँ पर कितना, 4,560 रुपये। एंटर बटन दबाकर हमने यहाँ पर क्या करा, सेव किया, और फिर लास्ट में हमने पैकिंग पूजा से ये सामान मंगा लिया, कहाँ पर, शॉप पर। हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर क्या लिख दिया, शॉप 570 पीस। और अभी आप देख रहे हो तो आपकी फाइनल कॉस्टिंग 67 रुपये 36 पैसे पर पीस की यहाँ पर आ रही है। और यही अब आप क्या करोगे, शॉप से लॉट नंबर 1101 शॉप से हम मंगा लेंगे यहाँ पर, ये हम मंगा लेंगे अब मेन स्टोर में 570 पीस, और अब हमारा एक पीस 67 रुपये 36 पैसे का यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो एंटर बटन दबाकर आगे आप क्या करोगे, इसे यहाँ पर सेव कर दोगे। तो पहला हमारा लॉट नंबर 1101 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना अगला लॉट नंबर 1102 यहाँ पर बनाएंगे। सेम यही प्रोसीजर आपको करना है आगे। और यहाँ पर क्या दिया गया आपको आगे, तो कहता है कि कॉटन फैब्रिक 280 मीटर में इस बार आपने जो पीस तैयार करें वो 260 पीस रेडी करें।
तो यहाँ आप क्या डाल दोगे, कॉटन फैब्रिक 280 मीटर, तो यहाँ आपने लिख दिया कॉटन फैब्रिक 280 मीटर और उससे आपने कितने पीस तैयार करे, 260। और क्या लग रहा है इसको बनाने में, तो कहता है कि 2 चैन लग रही है 4 इंच वाली एक पीस में, आपने कितने पीस बनाए 260, तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया चैन कितनी लग गई, 520 चैन लग जाएगी आपकी, तो यहाँ आपने डाल दिया 520। और क्या लग रहा है, 10 बटन इन 1 पीस, एक पीस में आपने 10 बटन लगाए और पीस बनाया आपने 260, तो यहाँ क्या लग गया आपका, 2600 आपने बटन यूटिलाइज कर लिए। और आगे 1 मीटर सर इन 10 पीस, 1 मीटर सर आपका कितने पीस में लगा, 10 पीस में, तो 260 डिवाइड बाय अगर आप 10 करोगे तो 26 मीटर आपका सर आ गया। और रिविट कितना लग रहा है आपका, रिविट लग रहा है आपका यहाँ पर, अब देखो रिविट कहता है कि 2 kg रिविट आपने 10 पीस में लगाया, 1 kg आपका 5 पीस में लगेगा, तो 260 डिवाइड बाय अगर आप 5 करोगे यहाँ पर तो आपका 52 kg आपका रिविट लग जाएगा। और नीचे अब आपने इससे जो तैयार किया प्रोडक्ट वो तैयार किया लॉट नंबर 1102, और ये क्या बन गया हमारा फिनिश गुड्स, पीस के अंदर ही कंट्रोल ए बटन दबाओगे और ऑल्ट सी बटन दबाकर, बनाने वाला कौन है यहाँ पर, कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा, तो हम ऑल्ट सी बटन दबाकर बना लेंगे यहाँ पर कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा। और कितने पीस तैयार हुए, 260, और खर्चा कितना है आपको बनाने का, 4922.26। और जॉब वर्क की कॉस्ट क्या है आपके यहाँ पर, तो जो जॉब वर्क की कॉस्ट आई वो 1300 रुपये, 5 रुपये पर पीस कटिंग करने के लिए कुणाल ने 260 रुपये, 260 पीस बनाए यहाँ पर, तो टोटल खर्चा आ गया आपका 1300 रुपये, यहाँ पर टोटल खर्चा आ गया 260 पीस की कटिंग करने पर। तो यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट ये, और 3 रुपये आपने और 5 रुपये आपने और ऐड कर दिए, तो 2393.93 आपका यहाँ पर खर्चा हो गया। उसके बाद फिर आपने लॉट नंबर 1102 यही कटिंग मास्टर कुणाल से 260 पीस आगे जो भेजे हैं वो कहाँ भेज दिए, वो भेज दिए आपने स्टिचिंग कमल पर। तो यहाँ आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर स्टिचिंग कमल बनाया और स्टिचिंग कमल को 260 पीस आपने दिए। और कितने रुपए खर्चा आ रहा है इसको देने का, तो कह रहा है कि 1950 रुपये एक पीस को आपने बनाने के दिए, पीस बने आपके 260 और टोटल खर्चा हो जाएगा आपका कितना, 260 × 19.50, तो आपका 5070 आपका यहाँ पर जो टोटल खर्चा आ गया। आगे एंटर बटन दबाकर आपने सेव कर दिया, फिर यही लॉट नंबर 1102 260 पीस आपने कमल से आगे भेज दिए, ऑल्ट सी बटन दबाकर कहाँ भेज दिए हमने, यहाँ पर प्रेसिंग राहुल पर, हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबा के बना लिया राहुल 260 पीस। और जो हमने जॉबक दिया वो कितना दिया अब राहुल को यहाँ पर, 12 रुपये पर पीस, तो 260 मल्टीप्लाई अगर हम 12 करेंगे तो 3120 रुपये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टोटल खर्चा आ गया। और फिर आपने वही लॉट नंबर 1102 260 पीस आपने राहुल से आगे भेज दिए पैकिंग पूजा के पास, हमने यहाँ पर पैकिंग पूजा तो शायद ऑलरेडी बना रखा है, तो आपने अगर कोई यहाँ पर गोडाउन बना रखा है तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अब आपने इसको 1625 रुपये क्या दिया, खर्चा दिया। आगे फिर आपने लॉट नंबर 1102 260 पीस कहाँ भेजे, अब आपने भेज दिए लॉट नंबर 2 के 260 पीस शॉप पर, और आपने यहाँ डाल दिया शॉप 260 पीस। और अभी आप देख रहे हो तो 61.68 रुपये फाइनल कॉस्टिंग आ गई आपकी 260 पीस को बनाने के लिए। अब यही लॉट नंबर 1102 आप 260 पीस क्या करेंगे, आगे भेज देंगे शॉप से मेन स्टोर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों ये लॉट बना लिए। अभी हमने यहाँ पर क्या करा, अभी हमने यहाँ पर वैल्यू को ऐड ही करा है, लेकिन अभी हमारा जो खर्चा लग रहा है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं यहाँ पर वर्कर, अभी हमने उनको जॉब वर्क नहीं दिया,
तो एक बार में हम एक साथ इन सभी को जॉब वर्क दे देंगे। आगे हम यहाँ पर बनाते हैं लॉट नंबर 1103। तो आगे हमने यहाँ पर लॉट नंबर अब बना दिया 1103, और ये अब बनाया कटिंग मास्टर पवन शर्मा ने। तो सिंपल आपने अब क्या यूज़ किया, डायनम वन, और 370 मीटर में आपने 210 पीस बनाए। तो यहाँ आपने लिख दिया वही डायनम वन, आपने 370 मीटर से आपने 210 पीस बनाया, और क्या लग रहा है इसको बनाने का, वन चैन इन वन पीस, 4 इंच वाली चैन आपने एक पीस में एक यूज़ करी है। पीस बने आपके कितने यहाँ पर 210, तो 210 डाला आपने यहाँ पर, और 10 बटन इन वन पीस, एक पीस में आपने 10 बटन लगाए। पीस बनने आपके कितने यहाँ पर 210, तो 210 मल्टीप्लाई अगर आप 10 करेंगे तो 2100 हो जाएगा आपका। और अस्तर कितना लग रहा है आपका, अस्तर यहाँ पर लग रहा है आपका 1 मीटर अस्तर इन 10 पीस, तो 210 डिवाइड बाय अगर आप 10 करोगे तो 21 मीटर आपका अस्तर लग जाएगा। और इसके साथ आपका और क्या मटेरियल लग रहा है, और कहता है कि 10 kg रिविट इन 110 पीस, रिविट जो है आपका वो 10 kg रिविट आपका 110 पीस में लगा, और यहाँ पर आपने पीस बनाया 210, तो 210 डिवाइड बाय आप 110 करना मल्टीप्लाई अगर आप 10 करोगे तो आपका रिविट टोटल जो लग रहा है वो निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर अब आपने क्या बना दिया, लॉट नंबर 1103, फिनिश गुड्स हमारा बन गया तैयार हुआ। पीस के अंदर कंट्रोल बटन दबा के सेव किया, और अब कौन बना रहा है इसको, कटिंग मास्टर पवन शर्मा। तो हमने पवन शर्मा बनाया नहीं है, हम यहाँ से बना लेते हैं कटिंग मास्टर पवन शर्मा, कंट्रोल से सेव, और अभी हमारे 210 पीस बने। टोटल खर्चा हमारा आ गया इसको बनाने का 4795.81, और जॉब वर्क चार्जेस हमने कितने दे दिए पर पीस, तो हमने 630 रुपये यहाँ पर जॉब वर्क चार्जेस दे दिए। कितने रुपये पर पीस बनाने के, 3 रुपये पर पीस जॉब वर्क चार्जेस दिए हमने एक पीस को बनाने के। 210 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका 630 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखोगे मटेरियल कॉस्ट 22 रुपये 84 पैसे, और यहाँ पर भी देखोगे तो 22 रुपये 84 पैसे ही आपको दिखाई देंगे। आगे अब आप दोबारा वही कंट्रोल ए बटन दबा कर क्या करेंगे, सेव। फिर आपने लॉट नंबर 1103 आपने क्या करा, पवन शर्मा से आपने 210 पीस आगे भेज दिए। कहाँ पर अब चले गए आपकी ये स्टिचिंग कमल पर, तो स्टिचिंग कमल आपने यहाँ पर ऑलरेडी बना ही रखा है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है 210। और खर्चा कितना लग गया है इसको बनाने का, तो खर्चा हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ ही है, यहाँ पर 18 रुपये पर पीस, तो यहाँ पर 3780 रुपये आपका टोटल खर्चा लग गया। और फिर आपने वही लॉट नंबर 1103 210 पीस स्टिचिंग से हमने आगे भेज दिए, कहाँ पर, वॉशिंग संदीप पर, 210 पीस आपने लिखे, और खर्चा कितना आया इसका टोटल 1680 रुपये। सेव करा, फिर वही लॉट नंबर 1103 210 पीस वॉशिंग संदीप से आगे आपने भेजे, कहाँ पर, रिया पर, तो आपने यहाँ नाम लिख दिया रिया, प्रेसिंग रिया, और 210 पीस, और रिया को भी आपने जो जॉब वर्क पे किया वो 1680 रुपये ही दिया। और फिर आगे आपने लॉट नंबर 1103 रिया से आपने आगे ट्रांसफ़र किए, कितना, कहाँ पर, पूजा पर, और पूजा को भी आपने जो जॉब वर्क पे किया वो 1680 रुपये ही पे किया आपने, कितने रुपए पर पीस के हिसाब से, 8 रुपये। वॉशिंग, रिया और पूजा का तीनों को आपने 8 रुपये के हिसाब से जॉब वर्क दिया। और लास्ट में अब आपने यही लॉट नंबर 1103 पूजा से 210 पीस आपने भेजे, कहाँ पर, शॉप पर, और यही शॉप से अब आगे आपने पीस भेज दिए लॉट नंबर 1103 के, कहाँ पर, मेन स्टोर या मेन लोकेशन पर। ठीक है, तो आगे हमने यहाँ पर क्या किया, इसे कंट्रोल ए बटन दबाकर
सेव कर दिया और पर पीस की जो फाइनल कॉस्ट आई निकल के आपकी 67 रुपये 84 पैसे, और आप देखोगे 67 रुपये 84 पैसे हमारी फाइनल कॉस्टिंग आ गई है। आगे हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल बटन दबा के सेव। आखिरी अब हमें बनाना है यहाँ पर अपना लॉट नंबर 1104। तो यहाँ पर अब आपने दोबारा क्या यूज़ किया, डायनम 4, और डायनम 4 अब आपने कितना मीटर यूज़ कर लिया, 330 मीटर में आपने यहाँ पर 230 पीस बनाए। तो यहाँ आपने लिख दिया डायनम 4 कितना, 330। और आगे अब आपने चैन यूटिलाइज करी 4 इंच वाली, 4.5 इंच वाली, एक पीस में एक चैन। पीस कितने बनाए आपने यहाँ पर, पीस बनाए 230, तो जाहिर सी बात है 230 चैन लग जाएगी आपकी। बटन आपने कितने यूटिलाइज किए, तो कह रहा है कि 18 बटन इन वन पीस, एक पीस में आपके 18 बटन लग रहे हैं और पीस आपने 230 बनाए हैं। तो 230 मल्टीप्लाई आप 18 कर देंगे यहाँ पर, कंट्रोल एन बटन दबा कर 230 मल्टीप्लाई आपने 18 किया तो 4140 आपके बटन आ गए। और क्या लग रहा है, अस्तर लग रहा है, अस्तर कितना लग रहा है, तो अस्तर आपका जो लग रहा है वो 10 सेंटीमीटर अस्तर लग रहा है, तो 23 मीटर आपका अस्तर लग गया। और क्या लग रहा है, 50 ग्राम रिविट लग रहा है एक पीस के अंदर, 50 ग्राम लग रहा है। तो कंट्रोल एन बटन दबाया, 230 मल्टीप्लाई 0.050, तो यहाँ पर आपका लग गया 11 किलो 50 ग्राम रिविट। और आगे आपने यहाँ बना लिया लॉट नंबर 1104 फिनिश गुड्स पीस के अंदर। कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने इसे सेव किया और आपने अभी जो बनवाया है वो कटिंग मास्टर पवन शर्मा से बनाया। तो यहाँ पर आपने नाम लिख दिया सिंपल, कितने पीस बनाए हमारे यहाँ पर 230 पीस, और टोटल खर्चा आया 33,893.50। और कितना जॉबक हमने पे किया, ऐसे हमने जो जॉबक पे किया वो हमने दिया 4.5 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ 1,035 रुपये आपका खर्चा आ गया और 147.36 रुपये पर पीस की कॉस्टिंग अब आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। आगे हमने यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबा के सेव किया और फिर वही लॉट नंबर 1104 आगे हमने भेजा 230 पीस कहाँ पर, अभी हमने आगे भेज दिया कमल पर, और कितना 210 पीस। और कमल को हमने यहाँ पर जॉब कितना पे किया, कमल को हमने 18 रुपये के हिसाब से दिया, तो 4,140 रुपये हमने पे कर दिए, 4140 अमाउंट हमने पे किया। और आगे फिर यही हमने लॉट नंबर 1104 कहाँ से, कमल से 210 पीस आगे हमने कहाँ भेज दिए, आगे हमने ट्रांसफ़र कर दिए कमल से वॉशिंग संदीप के पास। वॉशिंग संदीप को हमने 210 पीस दिए और कितना जो वक हमने पे किया यहाँ पर, हमने जो जो वक दिया 1840 रुपये, कितने रुपए पर पीस के हिसाब से, 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। और फिर वॉशिंग संदीप से हमने लॉट नंबर 4 को दो सौ दस पीस आगे हमने यहाँ भेज दिए लॉट नंबर 4 कहाँ पर, ये हमने भेजा लास्ट में पैकिंग आर्ट। ऑल्ट सी से आप बना लोगे यहाँ पर, ये हमने बनाया नहीं है गोडाउन, तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं पैकिंग आरती 210। और यहाँ हमने लास्ट में जो वक्त पे किया कितने रुपए, 1150 रुपये पे किया। और आगे अब आपने इसे सेव कर दिया, एंटर बटन दबा के हमने सेव किया। फिर यही लॉट नंबर 1104 आगे हमने ट्रांसफ़र कर दिया आरती से 210 पीस कहाँ पर, ये हमने मंगा लिए शॉप पर 210 पीस। और लास्ट में एंड लिस्ट कर दिया और शॉप से आगे आप ये क्या करोगे, लॉट नंबर 1104 ये आप अपने पास मंगा लोगे मेन स्टोर।
तो हमारे ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए। अभी हमने क्या किया, जो भी हमारा खर्चा हुआ था वो खर्चा हमने अभी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड किया, लेकिन जिन लोगों ने काम किया या जिन लोगों ने जॉब वर्क हमारा करा उनको उनके अकाउंट में हमने पैसे ऐड नहीं किए। तो अब हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट के अंदर यहाँ पर अमाउंट को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए अब आप यहाँ पर दोबारा F10 बटन दबाओगे और कहाँ पर आओगे, जनरल के अंदर आओगे, और जनरल के अंदर आने के बाद यहाँ जॉब वर्क चार्जेस, टोटल खर्चा कितना आया था आपका यहाँ पर पहले वाले लोट को बनाने का 32,490 रुपये, तो आप यहाँ लिख दोगे कितना 32,490 रुपये। और आप एक एक करके सारे अकाउंट यहाँ बनाओगे। पहले हमने जो बनाया था वो गोडाउन बनाए थे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट के अंदर दो चीज़ें, एक आपकी इन्वेंट्री और दूसरे आपके अकाउंट्स। पहले हमने जो काम किया वो हमने इन्वेंट्री के लिए किया, जिससे कि हमारी इन्वेंट्री वैल्यू बार बार क्या हो जाए, बदल जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, हमें जो हमने काम करवा लिया उसके बदले में यहाँ पर कितना जॉब वर्क पे करना है। तो कटिंग मास्टर रोहित को आपको जो जॉब वर्क पे करना है वो आपने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबा के बना दिया जॉब वर्कर्स, और इसके अंडर ग्रुप के अंदर आपने रखा सिंडिकेटर। या तो हमने कोई सामान उधार में खरीदा हो या हमने कोई सर्विस ले ली हो उधार में और हमने पैसे नहीं दिए, तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, देनदारी बन जाती है। तो उसके अंडर ग्रुप में देखोगे आप, सिंडिकेटर के अंडर ग्रुप में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आगे हमने कंट्रोल ए बटन दबाया और अभी यहाँ पर इसे नो ही कर देते हैं और कंट्रोल ए बटन दबा के सेव। कितना बना रोहित का जॉब वर्क, तो 1710। दूसरा कमल का, हमने ओवरसी से कमल भी बना दिया यहाँ पर, कंट्रोल ए से सेव कर दिया, इसका जॉब वर्क 19,050 रुपये। फिर दोबारा ऑल्ट सी बटन दबा के हमने बना दिया वॉशिंग संदीप, और इसका जॉब वर्क जो बना था 4,560 रुपये। और फिर दोबारा हमने ऑल्ट सी बटन दबा कर प्रेसिंग रिया बना दी यहाँ पर, और रिया का जो जॉब वर्क बना था 1,710 रुपये। फिर दोबारा हमने ऑल्ट सी बटन दबा कर क्या बना दिया, पैकिंग पूजा, कंट्रोल ए से सेव किया, 4,560 रुपये। और यहाँ आप लिख देंगे बीइंग जॉब वर्क ड्यू लॉट नंबर 1101। पहले का हमने यहाँ पर जॉब वर्क की एंट्री डाल दी। अब इसी तरह से हमने लिखा जॉब वर्क चार्जेस, नेक्स्ट का कितना आ गया आपके पास फॉर टाइम वन, और फिर आपने दिया कटिंग मास्टर कुणाल शर्मा, आपने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर बनाया कुणाल शर्मा। कितना खर्चा आ गया आपका, 1,300 रुपये। और फिर आपने दोबारा आगे पे किया स्टिचिंग कमल, तो आपने ऑलरेडी अच्छा कोमल बनाया था वहाँ पर, अब हमने यहाँ बना दिया कमल, कंट्रोल ए से सेव करा, कितना दिया हमने यहाँ पर 5,070। और लास्ट में यहाँ पर आपका ऑल्ट सी बटन दबाकर आपने प्रेसिंग राहुल बना दिया, कंट्रोल ए से सेव, राहुल का हमने कितना जॉब वर्क दिया, और पैकिंग पूजा को 1,625 रुपये। और नीचे यहाँ पर आपने कंट्रोल आर बटन दबाओगे तो नरेशन आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पर जॉब वर्क चार्जेस लिखा लॉट नंबर 3 के लिए जो आपने खर्चा किया कटिंग मास्टर पवन शर्मा, आपने और टोटल खर्चा आपका कितना हुआ यहाँ पर 9,450 रुपये। ऑल्ट सी बटन दबाकर कटिंग मास्टर पवन शर्मा लिखा, पवन शर्मा को आपने 630 रुपये देने हैं, और कमल आपने ऑलरेडी बना दिया, कितने देने हैं आपको 3,780 रुपये। और उसके बाद वॉशिंग संदीप भी आपने ऑलरेडी बना दिया, 1,680 रुपये देने हैं, और रिया को प्रेसिंग रिया को आपको 1,680 रुपये, पैकिंग पूजा को भी 1,680 रुपये। कंट्रोल आर बटन दबाया तो नरेशन रिपीट हो गई और हमने यहाँ पर लॉट नंबर 3 के लिए भी एंट्री डाल दी। फिर आपने लिखा जॉब वर्क चार्जेस और लॉट नंबर, अब हम 4 के लिए डालेंगे पवन शर्मा, तो हमने ऑलरेडी बनाई रखा है यहाँ पर, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 8,165। और यहाँ हमने क्या लिख दिया, कटिंग मास्टर पवन शर्मा, टोटल अमाउंट कितना है 1,035। और आगे क्या डाल दिया हमने, स्टिचिंग कमल, कितनी वैल्यू है 4,140। और उसके बाद वॉशिंग संदीप है कितना हमारा
1840 और पैकिंग आरती, तो आरती बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कंट्रोल ऐसे सेव किया 1050 रुपये और यहाँ आपने कंट्रोल आर बटन दबाया और लॉट नंबर 1104। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सारा खर्चा भी बुक कर लिया और हमने सारे के सारे प्रोडक्ट भी बना दिए। अब मेन काम आता है आपका रिपोर्टिंग देखने। तो आप अगर सबसे पहले आके देखोगे स्टॉक समरी के अंदर, तो आपके पास जो अब स्टॉक है ना, वो आपका स्टॉक दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। पहला आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फिनिश गुड्स, जिसके अंदर हमने लॉट नंबर 1, 2, 3 और हमने यहाँ पर 4 बना लिया। और यहाँ देखोगे तो आपके पास जो रॉ मटेरियल है, फैब्रिक है जो रखा हुआ है, वो आपको दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमने जो जॉब वर्क करवाया उन लोगों को कितने पैसे पे करने हैं। तो वो देखने के लिए आप आओगे फाइनल रिजल्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर, सिंडिकेटर, जॉब वर्कर। तो ये आपके वो सारे जॉब वर्कर हैं जिनसे आपने क्या करा, जिनसे आपने यहाँ पर अपना काम करवा लिया। और अब इसके काम करवाने के बदले में आगे आपको यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप पूरा हो गया। अगला स्टेप हमारा यहाँ पर आता है, हमारा जब बन गया सारे के सारे लॉट, तो कहता है कि अब आपके लॉट यहाँ पर बन गए, आप आगे आपको क्या करना है, सेल करनी है। लेकिन जब सेल कर रहे हो तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको बोला गया कि जो पहला लॉट नंबर 1 बना है इसमें 50% प्रॉफिट ऐड करना, लॉट नंबर 2 के अंदर 200 रुपये ऐड करना, लॉट नंबर 3 के अंदर 60% ऐड कर दो और लॉट नंबर 4 के अंदर 300 रुपये यहाँ पर क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो ये अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या क्या है बनाने के लिए। तो आप स्टॉक समरी के अंदर आओगे, आप आओगे फिनिश गुड्स के अंदर और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, लॉट नंबर 1101, 1, 2, 3 और आपका 4। आगे हम क्या करेंगे, इसे ऑल्ट ई बटन दबा देते हैं एक बार और हमने जो बनाया है इसको हम एक बार एक्सेल शीट पर ले जाते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब आप देखोगे यहाँ पर सारे आ गए आपके पास 1, 2, 3 और 4। तो पहले वाले में आपको बोला गया था कि भाई क्या कर दो, 50% ऐड कर दो, और दूसरे वाले में आपसे बोला गया कि 200 रुपये ऐड करो, प्लस 200 रुपये ऐड करो, इसमें 60% बोला गया है और इसमें बोला गया कि भाई आप क्या कर दो, 300 रुपये ऐड कर दो। तो अब क्या करना है, आपको कॉस्टिंग निकालनी है। तो आपका प्रोडक्ट कितने का बना है, 67 रुपये 36 पैसे मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 67 रुपये 36 पैसे। एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पर पीस की कॉस्टिंग निकल कर आ जाएगी, फिर बराबर 61 रुपये 68 पैसे प्लस 200 261 रुपये 68 पैसे। फिर आगे क्या करता है, 67 रुपये 84 पैसे मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100 प्लस 67 रुपये 84 पैसे। और फिर आगे क्या करना है आपको, इसमें 85.18 प्लस 300, तो हमारी पर पीस की कॉस्टिंग आ गई 485 रुपये 86 पैसे। अब ये जो कॉस्टिंग आई है आपकी, अब आप क्या करोगे, आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनको अल्टर कर लोगे, लॉट स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप के अंदर आ जाना, फिनिश गुड्स यहाँ पर आएंगे आप स्टॉक आइटम के अंदर, और एक मिनट, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आते हैं और यहाँ मिलेगा स्टॉक आइटम फिनिश गुड्स वाला, एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रेट डालने के लिए नहीं आ रहा आपके पास, तो F12 बटन दबाकर ऑप्शन चालू कर देना, ऑप्शन यहाँ आप चालू कर देना प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग रेट, कंट्रोल ऐसे सेव करना, यस कर देना, डेट 1 अप्रैल, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है इसका, 67 रुपये 36 पैसे और डेट 1 अप्रैल और सेलिंग प्राइस है आपका 101 रुपये 4 पैसे, कंट्रोल ऐसे सेव। फिर इसी तरह से लॉट नंबर 2 के अंदर भी यहाँ पर यस कर देना और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका,
61.68 रुपये और सेलिंग प्राइस आपका आ गया यहाँ पर 261.68 रुपये। और फिर इसी तरह से तीन के अंदर भी हम यहाँ चालू कर देंगे और तीन में आपका क्या आया 67.84 रुपये और सेलिंग प्राइस कॉस्ट सेलिंग प्राइस 108.54 रुपये। और फोर के अंदर आप देखोगे यहाँ पर तो सेट स्टैंडर्ड रेट आपने किया और आगे आपको क्या दिया गया फोर के अंदर 185.81 और डेट 1 अप्रैल 485.81 आपका निकल कर आया, कंट्रोल से आपने सेव कर। अब हम आगे जब सेल करेंगे F8 बटन दबाया मैंने यहाँ पर, पार्टी हमारी यहाँ पर दी गई है, इसका काम ख़त्म हो गया, तो फिलहाल इसे हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हमने Alt C बटन दबाया और आगे हमने यहाँ पर सेल किया कुराना वूल स्टोर को, हमने लिख दिया कुराना वूल स्टोर, अंडर ग्रुप में हमने सन्नी डेटर ही डाल दिया और इसका एड्रेस जो है वो डाल देते हैं 1640 और आगे हमने डाल दिया जय माता। ठीक है, बाकी एड्रेस ही डाल ले, कंट्रोल से सेव कर दे, कंट्रोल से सेव किया और सेल्स अकाउंट यहाँ पर आप Alt C बटन दबा के बनाओगे, अंडर ग्रुप में इसके सेल्स अकाउंट ही रखोगे और कंट्रोल से आप सेव कर दे। आगे आपने सेल किया यहाँ पर लॉट नंबर 1101, आप कहते हैं कि किस गोडाउन से सेल हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास देखोगे ना तो ये हमने जो बनाए थे सारे के सारे गोडाउन आ जाएंगे, लेकिन हमें मालूम है हमने जो अपना स्टॉक है वो कहाँ रखा था, मेन लोकेशन में 1520। एंटर बटन दबा के सेव, फिर आगे आपने सेल किया लॉट नंबर 1102, किस लोकेशन से, मेन लोकेशन से, क्वांटिटी आपकी 15, रेट आपका अपने आप आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर रेट डाल दिया जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो रेट आपका अपने आप आ रहा है मेन लोकेशन। और अब आपने 24 पीस सेल किए, फिर लॉट नंबर 1104 मेन लोकेशन और अभी हमने 30 पीस सेल किए और आगे आपकी सेल हो गई पूरी। और फिर कह रहा है कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर दिए 1250 रुपये और हमने यहाँ पर डिस्काउंट भी दे दिया, इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 2% और नीचे डिस्काउंट के अंदर कॉल सेंटर चालू है तो उसको कॉल सेंटर भी आप बंद कर दें और नीचे अब आप Alt C बटन दबा के एक बना देना राउंड ऑफ एक्सपेंस इनडायरेक्ट और यहाँ इनवॉइसिंग राउंडिंग और कंट्रोल से सेव कर दें। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली सेल कंप्लीट हो गई। अब अगली सेल आपको दी गई है, इसके अंदर विनायक ट्रेडिंग कंपनी को आपने सेल किया तो आपने यहाँ पर Alt C बटन दबा के नाम लिख दिया विनायक ट्रेडिंग कंपनी और अंडर ग्रुप में आपने वही डाल दिया सन्नी डेटर और इसका जो एड्रेस है यहाँ पर वो आप डाल देना 73 नंबर नारायण। कंट्रोल से सेव किया, कंट्रोल से सेव किया सेल्स अकाउंट और आगे आपने बनाया लॉट नंबर 1101 और यहाँ डाला हमने मेन लोकेशन 15 क्वांटिटी और आगे हमने सेव किया। और अब हमने इसको रॉ मटेरियल भी सेल कर दिया, कॉटन नॉर्मल फैब्रिक भी हमने भेज दिया, ये भी मेन लोकेशन रखा है हमने 750 मीटर 2500 रुपये रेट में आगे सेल कर दिया और आगे हमने लॉट नंबर 1102 भी सेल कर दिया मेन लोकेशन से, कितना 16 पीस सेल कर दिए और आगे आपने लॉट नंबर 1103 भी सेल कर दिया, कितना 18 पीस और आगे अदर चार्जेस आपने यानी कि फ्राइट ऐड कर दिया 2450 रुपये, डिस्काउंट आपने दे दिया कितना 2% और आपने बाद में राउंड ऑफ कर दिया। आगे हमने यहाँ पर एंटर बटन दबाकर सेल कर दिया, सेव हो गया हमारी सेल कंप्लीट। इसके बाद आगे अब आपने देखो आगे आपने क्या किया, आगे अब आपने कैश बुक करी, अब रिसिप्ट और पेमेंट की यहाँ पर बारी आ गई। पुराना वूल से आपको 50,000 रुपये मिले और एक आपको 2,000 रुपये मिल गए विनायक से, तो आप सिंपल F6 बटन दबा के पहले काम करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं
पुराना से हमें मिले कितने रुपए, 50,000 रुपए। और क्या मिल गया हमें यहाँ पर, कैश मिल गया। और एक हमें मिल गया पैसे विनायक से, कितने रुपए यहाँ पर, 2,000 रुपए। और क्या मिल गया हमें यहाँ पर, कैश ही मिल गया। अब आपने यहाँ पर पेमेंट करी, किस किस को पेमेंट करी, सबसे पहले सैलरी दी आपने यहाँ पर, यहाँ हमने ऑल सी से बना लिया सैलरी, और सैलरी हम दे रहे हैं तो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। कितनी हमने पे कर दी, 5,000 रुपये हमने दे दिया। और कैसे दिया, कैश में ही दिया। आगे हमने ऑफिस रेंट पे किया, ऑफिस रेंट हमने 5,000 रुपये दिया, और ऑफिस रेंट जो आपने बनाया इसमें आपने कॉल सेंटर ऑन करा हुआ तो कॉल सेंटर आप बंद कर देना, और कैश हमने 5,000 रुपये पे कर दिए। आगे हमने स्टेशनरी चार्जेस दिया तो आप यहाँ बना देना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस। कंट्रोलेंस से कितने रुपए हमने दिए, 500 रुपये। और क्या दिया हमने यहाँ पर, कैश ही दे दिया। ये देने के बाद फिर आपने अकाउंटिंग चार्जेस पे कर दिए, यहाँ पर कितने रुपए, 5,000 रुपये दे दिए। और कंट्रोलर से सेव कर दिया आपने, 5,000 रुपये दिए, और क्या दे दिया आपने, कैश ही दे दिया। आगे आपने शिव कृपा ट्रेडर को 2,000 रुपये दे दिए। अब शिव कृपा ट्रेडर को हमने यहाँ पर 2,000 रुपये पे कर दिए, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर, कैश ही दे दिया। आगे हमने पारस ट्रेडर्स को दे दिए कितने रुपये, 2,500 रुपये। पारस ट्रेडर को हमने 2,500 रुपये दे दिए, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर, कैश ही दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने फिर कुमार पारस ट्रेडर के बाद शिव शक्ति ट्रेडर को दे दिए कितने रुपये दे दिए हमने यहाँ पर, शिव शक्ति को हमने 2,500 रुपये दे दिए, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर, कैश दे दिया। आगे फिर हमने कुमार ट्रेडर्स को हमने यहाँ पर पैसे दे दिए कितने, 2,500 रुपये दिए, और क्या दिया हमने यहाँ पर, कैश दे दिया। आगे पूजा को हमने दे दिए, अब पूजा नाम लिखोगे तो पैकिंग पूजा को आपने 2,500 रुपये दिए, और क्या दिया आपने यहाँ पर, कैश दे दिया। उसके बाद रिया प्रेसिंग को आपने पैसे दे दिए कितने, 2,000 रुपये, और क्या दे दिया आपने यहाँ पर, कैश दे दिया। उसके बाद वॉशिंग संदीप को आपने पैसे दे दिए कितने यहाँ पर, 2,000 रुपये, और क्या दे दिया आपने यहाँ पर, कैश दे दिया। देन इसके बाद आगे हमने दोबारा सैलरी दे दी कितने रुपये, 2,000 रुपये, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर, कैश दे दिया। उसके बाद रोहित को हमने यहाँ पर दे दिए, कटिंग मास्टर रोहित को कितने रुपए, 2,500 रुपये दिए हमने यहाँ पर, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर, कैश दे दिया। और आगे मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमारे हो गए, छोटे मोटे खर्चे, हमने यहाँ पर ऑल सी से भी बना दिया, और कितने रुपए हो गए हमारे, 2,000 रुपये, और क्या दे दिया हमने, कैश पे कर दिया। आगे फिर चैरिटी एंड डोनेशन है, और ये हमने पे कर दिया यहाँ पर कितने, 2,000 रुपये, और क्या पे कर दिया हमने, ये भी कैश ही दे दिया। उसके बाद लीगल एक्सपेंस हमने पे कर दिए यहाँ पर कितने रुपये, 2,000 रुपये, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस इनडायरेक्ट ही है, और हमने क्या पे कर दिया, कैश दे दिया। हमने सारी एंट्री डाल दी, और डालने के बाद आगे यहाँ पर एंटर बटन दबा के सेव कर, कैश बुक कंप्लीट हो गई आपकी। और कैश बुक हो जाने के बाद आगे आप यहाँ पर नॉर्मली बैंक बुक से एंट्री डाल देंगे। बैंक बुक से एंट्री डालने के बाद आगे आपके कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अब आपसे पूछा गया कि भाई आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, तो कैश का अगर आप बैलेंस देखना चाहते हैं तो कैश का बैलेंस देखने के लिए आप ऑल्ट जी बटन दबाएंगे, और क्या करेंगे, आप
लेजर वाउचर में आएंगे और निकाल लेंगे यहाँ पर कैश, तो आपको यहाँ पर जो कैश का बैलेंस अवेलेबल होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, जितना कैश आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद बैंक का बैलेंस देखने के लिए भी यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, ऑल्ट जी बटन दबाएंगे और आगे कहता है शो टोटल स्टॉक वैल्यू और स्टॉक क्वांटिटी। स्टॉक की वैल्यू और क्वांटिटी देखनी है तो यहाँ पर आप स्टॉक समरी के अंदर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे दोनों तरह का स्टॉक आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप F5 बटन दबा देंगे तो आपके पास टोटल स्टॉक आ जाएगा, चाहे वो फिनिश गुड्स हो चाहे वो आपका रॉ मटेरियल, दोनों स्टॉक आप एक बार में एक साथ में यहाँ पर देख पाएंगे। आगे आपसे पूछा गया पवन का बैलेंस क्या है कि अब हमें पवन को कितने रुपए पे करने हैं, तो आप यहाँ पर ऑल्ट जी बटन दबाओगे और लेजर वाउचर में आओगे तो आपको मालूम था कटिंग मास्टर पवन शर्मा है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि पवन शर्मा को आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया, 1665 रुपये आपको यहाँ पर अभी पे करने हैं। आगे कहता है कि लॉट नंबर 1102 के हमारे पास कितना स्टॉक बचा, तो 2 का स्टॉक देखना है तो ऑल्ट जी बटन दबाओगे और कहाँ पर आओगे, अब हम आ जाएंगे स्टॉक क्वायरी के अंदर। लॉट नंबर 1102 अगर आप डालोगे तो लॉट नंबर 1102 के जो आपके पास स्टॉक बचे हैं वो 229 भी सभी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आगे आपसे क्या कहता है, टोटल सेल अमाउंट, सेल हमने कितनी करी है, तो ऑल्ट जी बटन दबाकर आप क्या निकाल लोगे, लेजर वाउचर, और यहाँ पर लिख दोगे आप सेल्स तो आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी, और परचेज पूछेगा तो आप परचेज के लिए भी परचेज निकाल लोगे। और आगे शो डे बुक, डे बुक देखनी है हमें यहाँ पर, तो डे बुक देखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, बाहर आ जाएंगे आप, स्टार्टिंग में आपको दिखाता है डे बुक, ये आपकी डे बुक निकल कर आ गई जो भी आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करी है। इसके बाद आगे आपसे पूछा शो सिंडिकेटर क्लोजिंग बैलेंस, केटर का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, तो केटर का आपको बैलेंस देखने के लिए कहाँ पर आना रहता है, फाइनल रिजल्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटीज, एंटर बटन दबाओगे तो ये आपके नीचे वाले सारे क्या हैं, आपके सिंडिकेटर्स हैं। उसके बाद शो टोटल सेल क्वांटिटी, हमने सेल की कितनी क्वांटिटी सेल करी है, तो आपको अगर क्वांटिटी भी देखनी सेल में कितनी क्वांटिटी करी है, तो वही आप ऑल्ट जी बटन दबाओ, लेजर रजिस्टर में आ जाओ और यहाँ निकाल लो सेल रजिस्टर, एंटर बटन दबाओगे और यहाँ पर अगर आप F8 बटन दबा देते हो तो नीचे आपको दिखाई देता है शो क्वांटिटी डिटेल, और कंट्रोल ए बटन दबा दोगे तो यहाँ पर आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, आपने टोटल क्या क्या क्वांटिटी बेची है, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी आ गया और सेम परचेज की क्वांटिटी देखनी है, तो हम ये भी इस तरह से देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये जो कंपनी बनाई इसके अंदर अभी हमने जो ट्रांजेक्शन करी इसके अंदर हमें अभी प्रॉफिट दिखा रहा है या लॉस दिखा रहा है, अगर आप बैलेंस शीट दिखाओगे निकालोगे तो अभी आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है सेल करने के बाद भी सब खर्चा वगैरह लगा कर अभी आपको जो नेट प्रॉफिट है वो 2,503.78 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा मेन इम्पॉर्टेंट जो काम था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि हमने क्या प्रोडक्ट बना लिया, और हमने जो प्रोडक्ट बनाया जिनसे हमने बनवाया उनको हमें अमाउंट पे क्या करना है, वो सब रिपोर्टिंग आपने यहाँ पर देख ली। तो आज की क्लास के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग टैली प्राइम के अंदर कैसे करी जाएगी, कैसे स्टॉक की वैल्यू देखी जाएगी और कैसे जॉब वर्कर को हम यहाँ पर देख पाएंगे कि कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही और करते हैं, बाकी अपना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। Thank you.